क्योंकि यहाँ से पंचर रूप करेंगे, ठीक है, इसके थ्रू फैट और ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। ये देखिए बल्किनेस है ये चारों तरफ, ये जो है यहाँ पे ये लंप है, ये लंप है, ये चारों तरफ थोड़ा फैट है। सो फैट रिमूव कर देंगे, ग्लैंड रिमूव कर देंगे और इसको एक नॉर्मल शेप, ठीक है। सो अभी मेन क्या दिक्कत आती है? वहीं सर एम्बेसमेंट, एम्बेसमेंट होता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता, अच्छा टी शर्ट नहीं पहन सकते। फिर ये आपको पता है किसने की सर्जरी से ठीक हो सकता है? सर मैंने बेचू में दिखाया था एक बार, तो बेचू में बोले कि पेन था, लेफ्ट साइड में थोड़ा पेन था मेरे को उस समय, और पफिनेस तो मतलब 10th क्लास से थी 11th क्लास से मेरे को दोनों में, तो वो बताया कि अभी दर्द खत्म हो जाएगा एज के साथ, लेकिन अगर आपको पता लगेगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो बेचू डॉक्टर होता है। फिर आपने ये जो है फिर हमारे क्लिनिक का कैसे पता? सर ऑनलाइन पता किया था, यूट्यूब से पता है। फिर आपने वहाँ पे नहीं करा हमारे पास क्यों? नहीं सर मैंने कई जगह क्लिनिक पता किया लेकिन मन नहीं किया, फिर आप ही क्या फिर। अच्छा तो फिर वीडियो से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, रिव्यू भी देखा, वीडियो से कॉन्फिडेंस भी आ गया था, थोड़ा मन बोले फिर आपने सोचा यहाँ पे, ठीक है। सो ये देखिए किस तरह से यहाँ से ये जो है बिल्कुल राउंड शेप दिख रहा है, जो कि एक फीमेल लाइक ब्रेस्ट दिखता है। सो इसको रिमूव करने के बाद चेस्ट एकदम नॉर्म हो जाएगा, बाकी वे आपका इतना फैट भी नहीं है, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है। सो ये करने के बाद एकदम चेस्ट नॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम ये वेजल लिपोसक्शन प्लस ग्लैंड रिमूव करेंगे एंड लेजर स्किन टाइटनिंग कर देंगे, उससे जो है ये जैसा दिख रहा है बेसिकली, जिससे थोड़ा सा एम्बेरेसमेंट और अच्छा नहीं लगता है, तो वो एकदम नॉर्मल, ठीक है।